बग्गा को हाल ही में पंजाब पुलिस द्वारा रिहाई मिली है और इसी बीच बाहर आते ही बग्गा ने सीधे केजरीवाल पर निशाना बोलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, कल ही बग्गा ने कह दिया था कि ये लड़ाई नहीं रुकने वाली है और सीएम केजरीवाल को खुली चुनौती दे दी थी। इसी को देखते हुए केजरीवाल के आवास के सामने आज भारी फोर्स तैनात कर दी गई है, क्योंकि बीजेपी का भारी प्रदर्शन सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर किया जा रहा है। इससे पहले बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पार करने की भी कोशिश की थी, तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की भी चेतावनी दी है। अब मामला बढ़ता देख दिल्ली पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की अगुवाई के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन बीजेपी कर रही है और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। प्रदर्शन में दिल्ली के बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता के साथ साथ कई बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस को दोपहर 3 बजे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन की जानकारी दी गई थी। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है, भारी फोर्स फिलहाल तैनात कर दी गई है, साथ ही साथ स्पेशल ब्रांच भी एक्टिव है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए punjabkesari.com के साथ।